तो नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सअप को लेकर। अगर दोस्तों आप भी व्हाट्सअप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के काफ़ी काम आ सकती है। तो बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने व्हाट्सअप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट्सअप कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आप सभी को थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप सभी व्हाट्सअप कॉल को रिकॉर्ड कर सको। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप सभी को कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को अपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद में सर्च बार में आप सभी को टाइप करना है कैब एसीआर। लिखने के बाद में दोस्तों आप सभी को सर्च कर देना है। जैसे दोस्तों आप कैब एसीआर लिखकर सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन आएगा, इसी एप्लीकेशन को आपको फ़ोन में डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप सभी को इसको ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे आप सभी को नेक्स्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप सभी को नेक्स्ट कर देना है। फिर से आप सभी को कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप सभी को यहाँ पर अलाउ कर देना है। इस तरीके से आप सभी को अलाउ करना है, फिर से आप सभी को अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आप सभी को अलाउ कर देना है। जितने भी परमिशन ये मांगता है सबको दोस्तों आप सभी को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक बटन ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो नीचे आप सभी को एनेबल ऐप कनेक्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप कनेक्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको दोस्तों आप सभी को यहाँ से ऑन करना है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप सभी को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कैब एसीआर एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसको दोस्तों आप सभी को यहाँ से इस तरीके से ऑन कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ऑन करते ही अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो फिर अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये बटन ऑन करने के लिए बोल रहा था, ये बटन ऑन हो जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड कैब टू ऑटो स्टार्ट, आप सभी को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कैब एसीआर का एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसको इस तरीके से यहाँ से ऑन कर देना है। इस तरीके से आप सभी को ऑन करने के बाद दोस्तों आप सभी को बैक चले आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप सभी को आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को नो थैंक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ओके गोट इट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके गोट इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने कुछ प्रीमियम वर्जन दिखाई देगा, तो आप सभी को दोस्तों यहाँ से क्या करना है, इसको इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों और व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आप सभी किस चीज़ का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो, यहाँ से दोस्तों आप सभी को डिसाइड करना होगा। हमें दोस्तों अपने व्हाट्सअप का कॉल रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप सभी को व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप किसी को भी अगर कॉल करते हो ना, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन पर एक कॉल करके दिखा देता हूँ किस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। यहाँ पर दोस्तों मैं कॉल करता हूँ इस तरीके से। कॉल को कट करने के बाद दोस्तों अगर आपको रिकॉर्डिंग को सुनना है या फिर किसी को भेजना है, तो आप सभी को क्या करना है, अपने एप्लीकेशन में जाना है, जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है उस एप्लीकेशन में जाना है। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ओके करने के लिए बोलेगा, तो आप सभी को ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को रिकॉर्डिंग दिखाई देगा, जो आपने रिकॉर्डिंग किया यानी कि जो आपने व्हाट्सअप पर बातें की हैं वो सब दोस्तों रिकॉर्ड हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर हमने रिकॉर्डिंग किया था, तो यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों इसको यहाँ पर सुनने के लिए आप सभी को प्ले पर क्लिक करना होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर आप सुन सकते हो, यहाँ पर दोस्तों मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से सुनाई दे रही है। इसी तरीके दोस्तों आप भी अपने फ़ोन के अंदर किसी भी व्हाट्सअप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर दोस्तों ये तरीका आप सभी को पहले से पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखो। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।